प्रतीत होता है यह शंख ध्वनि किसी अनिष्ट का संकेत है। सावधान रावण। हे प्राणवल्लभ, उस अद्भुत शंख ध्वनि के श्रवण से संसार में अपार शांति और संतोष का विस्तार हुआ होगा ना? हाँ प्रिय, स्वयं हनुमान द्वारा उत्पन्न किया वो शंख घोष तो सकल जगत के उद्धार और उत्तम भविष्य का सूचक था। हे केशव, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हनुमान सक्रिय होकर पूर्ण रूप से आपके पूर्व अवतार श्री राम के पुण्य कार्यों में भागीदार बनने वाले थे। हाँ देवी, समय के साथ हनुमान एक विलक्षण योद्धा के रूप में विकसित हुए, जो सदैव अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में डूबे रहते थे। परंतु उनकी ये प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। शीघ्र ही वो मेरे राम अवतार से मिलने वाले थे, परंतु भाग्य की विडंबना से एक और विचित्र संयोग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था से उनका चिर शत्रु वाली ही हनुमान से श्री राम की भेंट का निमित्त बना। वाली प्रभु? हाँ देवी, अपने पिता ऋक्षराज के देहावसान के बाद व्यस्क हो चुका वाली पुनः इस किंधा का राजा बना। परंतु इस बार राजपद पर स्थापित होना उसका धर्मोचित अधिकार था। वाली इतना शक्तिशाली बन गया था कि शत्रु उसके नाम से ही थर्रा जाते थे। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी उसने कि अपना संध्या वंदन पूर्ण करने के लिए छलांग लगाकर कुछ क्षणों में वो सातों समुद्र की यात्रा कर लेता था। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। साल के विशाल काय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। हे प्राणवल्लभ, प्रतीत होता है इस अति बलशाली बाली का बल तो कल्पना से भी परे है, जिसके कारण ये और भी दुतांत हो गया होगा। फिर सुग्रीव का क्या हुआ स्वामी? क्या इस दुष्ट बाली ने उसे सुरक्षित रखा? सुग्रीव तो जैसे अपने अग्रज बाली का ही प्रतिबिंब था। उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। सुग्रीव
पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब बाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों। प्रणाम वाली भैया। तो स्वामी, इन सब के उत्सुकता को शांत करने के लिए ये तो बताइए कि आगे क्या हुआ। उसके बाद समय का चक्र अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। देवी तारा वाली की पत्नी बनी और सुग्रीव ने देवी रोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भाग्य इन दोनों भाइयों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। एक दिवस जब किष्किंधा के राज्यसभा में उपस्थित वाली और सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त थे, तब एक मायावी नामक राक्षस ने बड़ी उद्दंडता भरे स्वर में वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली, वाली, बाहर निकलो, वाली, वाली, बाहर निकलो, वाली, कहाँ हो तुम वाली? मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है। मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूँ। खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ। मायावी राक्षस! नहीं वाली भैया, नहीं, इस कंदरा के अंदर मत जाइए। ये अवश्य इस मायावी का कोई छल है जिसके कारण ये मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकार में कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा, यदि इस राक्षस की शक्तियाँ बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आधी शक्तियाँ मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु कुछ नहीं सुग्रीव, मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मार कर लौटता हूं। तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राण बल्लभ, इसीलिए उसने तो कुछ ही क्षणों में मायावी का वध कर दिया होगा। ये द्वंद युद्ध वाली के लिए भी कठिन था क्योंकि मायावी दुर्मद उस काली कंदरा में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए ये युद्ध कई माह तक चला। सुग्रीव अपने अग्रज की आज्ञा का पालन करते हुए वहां लगभग एक वर्ष तक खड़ा रहा
और उस कंदरा के भीतर उत्पन्न होने वाली इन योद्धाओं की क्रोध भरी हुंकार और पीड़ा युक्त चीत्कार सुनने को बाध्य हो गया। मायावी जब ललकारी क्रोध से भर आए वाली कंदरा माए युद्ध भयो सुग्रीवा द्वारा पे खड़ो बीत माह बीता सार ऋतुएं चल रही अपनी चाल सुग्रीव किंतु हटे नहीं भ्रात्र प्रतीक्षा डटे रही। सुग्रीव भ्राता सुग्रीव भ्राता सुग्रीव स्वामी दीदी संभालिए अपने आप को भ्राता श्री को कुछ नहीं होगा स्वामी। भैया भैया ये तो असंभव है भैया आप तो अजय हैं आपका वध कैसे कोई कर सकता है। नहीं भैया नहीं हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके। प्राण वल्लभ इसका अर्थ हुआ वाली की मृत्यु के फल स्वरूप किष्किंधा ने अपना राजा खो दिया। देवी कोई भी राज सिंहासन अधिक समय तक राजा विहीन नहीं रह सकता इसीलिए सुग्रीव के लौटने पर प्रजा ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर स्थापित किया परंतु उसे यह कहां ज्ञात था दीर्घ काल के लिए उसकी शांति भंग होने वाली है क्योंकि सुग्रीव इस सत्य से अनभिज्ञ था कि उस युद्ध में वाली का अंत नहीं हुआ था अपितु वाली ने मायावी का वध किया था। भ्राता सुग्रीव कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव राम।
कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे ये वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है, उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट।